तो ये रहा कश्मीर का कश्मीरी मेहमान नवाजी। अभी यहाँ कुछ नाश्ता करने के बाद डल झील की ओर मैं और मेरी टीम निकल चुके हैं। मैं और मेरी टीम नाश्ता करने के बाद जम्मू कश्मीर के सारे मसले का मसाला निकाल के हम निकल पड़े हैं सेब की खेती देखने को। चारों तरफ से अभी तक तो हम लोग डल झील के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ते थे और फिल्मों में देखते थे। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ऐसा मस्त नज़ारा देखने को मिलता था मूवी में, रोमांटिक शाहरुख खान वाली फिल्में, है ना। अभी जब हम लोग डल झील के पास आए ना, तो सच में ये जन्नत कश्मीर है ना। लिटरली ऐसा लग रहा है कि हम लोग जन्नत में आ गए हैं। ये है डल झील का शाम का नज़ारा, आप लोग भी देखिए, इंजॉय कीजिए। शाम का ये नज़ारा और ये जो व्यू पॉइंट है, लिटरली मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। यहाँ पे एक कॉफ़ी ले लो और कॉफ़ी पियो, यहाँ पे बैठ के साइकिल राइड करो, मस्त मज़ा आएगा। शाम में डल लेक घूमने के बाद मेरा प्लान था कि रात में हाउस बोट पे रुको और वो जो एक्सपीरियंस है हाउस बोट पे रुकने का वो आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो अभी रात हो चला और मैं बोट पे बैठा हूँ, अभी वीडियो में दिख नहीं रहा होगा, और मैं हाउस बोट पे जा रहा हूँ जो डल लेक की दूसरे तरफ है, वहाँ पे मैं रात में रुकूँगा। आप भी देखो कैसा होता है हाउस बोट। सामने जो ये सारी बोटें दिख रही है, ये सारी हाउस बोट्स हैं और यहीं पे लोग रात में रुकते हैं, और ये एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। मैं भी अब पहुँचने को हूँ, ये देखो मैं पहुँच गया मेरे हाउस बोट पे। तो गाइस, बचपन से एक सपना था कि जब भी कश्मीर जाऊंगा, डल लेक के पास जाऊंगा, तो हाउस बोट में ज़रूर रुकूंगा। तो ये सपना साकार हुआ, मैं अपने हाउस बोट पे पहुंच चुका हूं। ये आप हाउस बोट का व्यू देख सकते हो। अगर कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया। सुबह होने पर जब मैं हाउस बोट के कमरे से निकला तो ये नज़ारा देख के मन पूरा गदगद हो गया, है ना। ये देखो सामने पूरा डल लेक, पहाड़, वादियाँ, ये मज़ा ही आ गया। शिकारा बोट्स जो हैं उधर लगी हुई हैं, एकदम नेचर की गोद में है, हम लोग प्रकृति की गोद में है। ये बहुत ही सुखद नज़ारा है। ये सामने जो बर्फीला पहाड़, पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, वो गुलमर्ग का पहाड़ है, रेड रोज। एकदम से लग रहा था प्रकृति की गोद में हम लोग आ चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन लाइफ का एक्सपीरियंस रहा ये। सुबह होते ही डल झील में ये नज़ारा अक्सर देखने को मिल जाता है कि कई लोग बोट से कुछ कुछ चीज़ें बेचने को आते हैं टूरिस्ट को, जो हाउस बोट पे रुके होते हैं। तो ऐसे ही एक जन बेचने को आ गए हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें। ये सब कौन से लकड़ी से बनता है? मतलब यहाँ मैक्स नट वाले लकड़ी से भी तो बनता है ना, नट भी तो कॉस्टली ही है। अच्छा, थैंक यू भैया। ये चचा सुबह सुबह फ्लावर बेचने को निकल पड़े और बहुत ही शानदार नज़ारा, एकदम बोट के आगे बैठे हुए हैं, बहुत ही बेहतरीन है।
इंडिया के लोगों ने तरक्की की है। मुझे लगता है कि मैंने जो पहले का डोमेस्टिक टूरिस्ट देखा और आज का प्रेजेंट डोमेस्टिक टूरिस्ट देखा, पहले लोग आते थे जो बड़े बड़े लोग मिल ओनर मल्टी मिलर लोग थे, वो पैसे वाले लोग आते पैसे वाले लोग आते इन शॉर्ट। अभी हर वर्ग का आता है। मैंने देखा कि हमारे पास जो टूरिस्ट आता है उसके दूसरे सीजन में उसका कोई वर्कर आ जाता है कि हमारा बॉस आपके हाउस बोट में रुका, वो भी सपने बनाता है कि और वो सपने उसके सच होते हैं कि हम घूमने, क्योंकि आप प्रोवाइड भी कर रहे हो ना मिनिमम से मैक्सिमम जिसका जितना हो सके वो करता है, अफोर्ड भी कर रहा है। मैंने देखा कि अपना जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है ही कैन अफोर्ड ना। पहले होता था कि वो खाली सपने देखो, पूरे कभी नहीं होते थे। बिल्कुल, अभी सपने पूरे होते हैं लोगों। आपको मैं एक कहानी बताता हूँ। दोपहर में श्रीनगर से जम्मू की फ़्लाइट होने के कारण मैं अब हाउस बोट से निकल पा रहा हूँ डल लेक की दूसरी तरफ। वहाँ कुछ देर वेट करूँगा, फिर एयरपोर्ट जाऊँगा। तब तक आप ये नज़ारा देखिए, बहुत ही बेहतरीन। क्या नाम है आपका? उमर। उमर, आपका घर यहीं पे है या फिर आप भी बाहर से हो? कुपवारा। अच्छा, वो भी कुपवारा से ही था ना। तो आप लोग कुपवारा कब जाते हो वापस, कितने दिन में? महीने में। महीने, वो तो बोल रहा था मैं अगली उस पे जाऊंगा ईद पे। महीने में चार छुट्टी मिलती है ना सर, ईद से निकालते हैं आज। अच्छा, यहाँ पे सैलरी पे आप काम करते हो या रोज पे? सैलरी कितने देते हैं ये लोग सैलरी? अच्छा, मैं गया था ना परसों कुपवारा बारामूला के तरफ। शिकारा में छोड़ना चाहिए था, लेकिन अब हम लोग डल लेक के एक व्यू पॉइंट पे जाके कॉफ़ी पियेंगे, फिर एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। ये देख लो, दिन में भी वही नज़ारा है, एकदम बेहतरीन। दोस्तों, मेरा ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, है ना। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।